फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं सर कुलदीप सेन अपने कल अपने पढ़ा था ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, उसी को आगे से स्टार्ट करते हुए अपन आज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाएंगे जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में। एट फर्स्ट एंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रनिंग में है वो है भाखड़ा नैनो प्रोजेक्ट। एज यू नो दिस इज द बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1948 एंड कम्प्लीटेड इन 1963। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इसको कम्प्लीट होने लगे थे। इट इज द कंट्रीज बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। ये हमारे देश का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज सिचुएटेड ऑन रिवर सतलज नियर बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सिचुएट है। दिस इज जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान। ये थ्री स्टेट के द्वारा रनिंग में लाया जाता है जो है अपने पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। अंडर दिस प्रोजेक्ट टू डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस प्रोजेक्ट के तहत टू डैम्स बनाए गए थे पंजाब के अंबाला जिले में। फर्स्ट भाखड़ा डैम, सब जानते हैं भाखड़ा और नांगल टू डैम्स है, नेम एक है लेकिन डैम टू है। फर्स्ट है भाखड़ा डैम इज 518.16 मीटर लॉन्ग। इसके अपन यदि लंबाई देखें तो लगभग हाफ किलोमीटर से भी ज्यादा है एंड 54 मीटर हाई, और इसकी हाइट है 167.55 मीटर। दिस इज द बिगेस्ट डैम अमंग द वर्ल्ड्स स्टेट डैम्स। वर्ल्ड्स के जितने भी स्टेट डैम्स हैं उन सारे डैम्स में अपना इंडिया का डैम भाखड़ा नागर डैम सबसे बिगेस्ट है। कौन से डैम्स में? स्टेट डैम्स में, यानी लंबाई वाले। सेकंड अपने फर्स्ट कर लिया अपना भाखड़ा डैम, सेकंड डैम है अपना नागर डैम। सेकंड भाखड़ा डैम इज बिल्ट 13 किलोमीटर लोअर एट ए प्लेस नागर। तो अपना जो सेकंड डैम है भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट का वो है भाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर लोअर है, जिस स्थान पे वो है नेहरूस का नागर। फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है? क्या जब बड़ी जो भाखड़ा के बाद में नागर डैम बनाया गया फुलफिल द ऑब्जेक्टिव को कलेक्टिंग एडिशनल वाटर फॉर भाखड़ा डैम। इसका काम होता था भाखड़ा नागर डैम से जो फर्स्ट डैम है वहां से जो भी ओवरफ्लो होकर वाटर आता था उसको इसमें कलेक्ट करने का काम ही करता था। फ्रॉम दिस डैम सेवरल कैनल्स इंक्लूडिंग इस डैम से बहुत सारी, कौन से डैम से? अपना जो सेकंड डैम है नागर डैम, इससे बहुत सारी कैनल्स निकल रही है। उनमें है भाखड़ा कैनल, सिंध हिंद कैनल, नागर कैनल, बिस्टोक कैनल एंड नरवाना कैनल। हैव बीन कॉल आउट फॉर इरिगेशन पर्पज। किस पर्पज के तहत इनको कनेक्ट किया गया बनाया गया? वो था ओनली वन पर्पज एंड वन पर्पज इज इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए इन कैनल्स को ऐसे कट ऑफ किया गया था। एंड कैनल्स के अलावा एंड नागर पावर प्लांट एंड टू पावर प्लांट्स इन कोटला एंड गंगवाल हैव बीन बिल्ट। यहाँ पे कैनल्स के अलावा नागर पावर प्लांट है, उसके अलावा भी टू प्लांट्स और बनाए गए थे पावर प्लांट। नंबर फर्स्ट है कोटला एंड नंबर सेकंड गंगवाल पावर प्लांट। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं।
This is the first important project of independent India. आजादी के बाद में इंडिया ने जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हमारा जो भाखर नागर प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंस से पहले का है और ये इंडिपेंडेंस के बाद का फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। एंड ये जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर है मतलब टू स्टेट थ्री स्टेट फोर स्टेट फिफ्थ स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इसको बनाने के लिए टू स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, मीन्स वेस्ट बंगाल और झारखंड का एक जॉइंट वेंचर है। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948 ऑन रिवर दामोदर विच इज नोन एज बंगाल सॉफ्ट। इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में रिवर दामोदर पर स्टार्ट हुआ था जिसको बंगाल सॉफ्ट यानी बंगाल की दुखांति का भी कहा जाता है। This river was named for its uncertain route, soil erosion and floods. इस नदी को बंगाल सरोवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दामोदर रिवर समीकरण की वजह से डिफेंड थी, वो रीजन है इट्स अनसर्टेन रूट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बोकारो डैम है बिल ऑन रिवर बोकारो, बोकारो डैम है वो बोकारो रिवर पे है। कोना डैम है बिल ऑन कोना रिवर। आघा डैम बर्मो डैम बाल पहाड़ी डैम है बिल ऑन रिवर दामोदर। ये एट डैम्स हैं, ये दामोदर वैली और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जितने भी हैं उनके ऊपर बनाए गए हैं। इन एडिशन टू दिस इसके साथ साथ दुर्गापुरा बैरेज थ्री पावर प्लांट्स इन नंबर फर्स्ट बोकारो, नंबर सेकंड चंद्रपुरा एंड नंबर थर्ड दुर्गापुरा, थ्री पावर प्लांट्स बनाए गए थे इसमें। एक दुर्गापुरा बैरेज था इसमें। इसके अलावा 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनल सिस्टम है भी नंबर इसके साथ साथ यहाँ पे 2500 किलोमीटर कैनल सिस्टम भी इरीगेशन फैसिलिटी के लिए स्टार्ट किए थे, वाटर सप्लाई के लिए स्टार्ट किए थे। यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है वेस्ट बंगाल को जो बंगाल सोरो है मतलब जो फ्लड है सॉइल इरोजन है अपना अनसर्टेन रूट है इसकी वजह से जितना डिस्टर्बेंस होता था उन सबको दूर करना, बाकी लोगों की समस्याओं को सुलझाना, इसके साथ ही कैनल सिस्टम डेवलप करना, पावर प्लांट, इन सब चीज़ों के लिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1948 में।